भारत में सीएनजी पावर्ड छोटे ट्रक्स तो बहुत हैं। इनमें से दो इम्पोर्टेंट और फेमस मॉडल्स हैं, मारुति का सुपर कैरी सीएनजी और महिंद्रा का जीतो 400 सीएनजी। इन दोनों मॉडल्स का प्रॉपर ड्राइव रिव्यू हमारे चैनल पर लाइव है, उनको देखना ना भूलें। उनके लिंक्स हैं नीचे इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो इस कंपैरिजन में पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में, जहां पर महिंद्रा का जीतो 400 सीएनजी आपको पड़ेगा लगभग 5.25 लाख रुपए का एक शोरूम, वही मारुति का जो सुपर कैरी सीएनजी है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा लगभग 5,93,000 रुपए, ये भी एक शोरूम है। तो हाँ, दोनों गाड़ियों में लगभग 17,000 रुपए तक का डिफरेंस है। कुछ बायर्स के लिए ये ज्यादा होगा, परंतु पूरा वीडियो देखिए दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के लिए। पहले बात करते हैं दोनों ही सीएनजी ट्रक्स के इंजन के बारे में। महिंद्रा जीतो 400 सीएनजी को मिलता है एक छोटा सा 625 सीसी का इंजन, जो निकालता है लगभग 20 हॉर्स पावर की शक्ति और साथ ही में 44 एनएम का टॉर्क। इस इंजन को मिलता है एक 4 स्पीड गियरबॉक्स। ये गाड़ी आपको देगी 35 तक की माइलेज सीएनजी पर। इसके सामने मारुति का जो सुपर कैरी सीएनजी है उसमें दम जरूर है, मगर माइलेज नहीं। सुपर कैरी को मिलता है एक 1200 सीसी का इंजन, जो कि देता है 80 हॉर्स पावर की जान और साथ ही में 113 एनएम का टॉर्क। बड़ा इंजन, ओबी 4 सिलेंडर्स का और साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स। मगर इस गाड़ी की माइलेज कम है, सीएनजी पर लगभग 23 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों, या तो आप पावर चूज करें या माइलेज चूज करें, ये आपके ऊपर रहेगा। लंबे रस्तों के लिए सुपर कैरी बेहतर रहेगी, क्योंकि ये 80 तक की स्पीड बहुत आराम से पकड़ती है और साथ ही में आपको मिलता है एक 5 स्पीड गियरबॉक्स। और इसका जो स्टार सिलेंडर का इंजन है वो जीतो के मुकाबले काफी स्मूथ है। जीतो 400 सीएनजी का जो व्हील बेस है वो है 2500 मिलीमीटर लंबा। बात करें इसके कार्गो बॉक्स की, तो जो डाला है वो है 7.4 फीट लंबा और 4.9 फीट चौड़ा। इसके सामने सुपर कैरी थोड़ा सा छोटा है, 2110 मिलीमीटर का व्हील बेस और जो डाला है वो 7.2 फीट लंबा है। चौड़ाई वही है एज द जीतो 400 सीएनजी, 4.9 फीट। छोटा इंजन होने के बावजूद जो जीतो 400 सीएनजी है उसका ऑफिशियल लीगल पेलोड है 650 किलो। सुपर कैरी सीएनजी ज्यादा दूर नहीं है 625 किलो पर। जहां सुपर कैरी आता है 13 इंच के चक्कों पर, जो जीतो 400 है उसको मिलते हैं छोटे 12 इंच के चक्के। सुपर कैरी सीएनजी का एक और फायदा है कि इसे मिलता है एक 5 लीटर का इमरजेंसी फ्यूल टैंक। ये बैकअप जीतो सीएनजी में नहीं है। सुपर कैरी लगभग 17,000 रुपए महंगा है और इस एक्स्ट्रा कीमत के लिए बड़े इंजन के साथ साथ आपको बेहतर केबिन भी मिलता है। जीतो 400 सीएनजी के मुकाबले ये थोड़ा कार लाइक फीलिंग जरूर देता है आपको अंदर से। गाड़ी में चढ़ने या उतरने के लिए ग्रैब हैंडल्स भी हैं दोनों तरफ और काफी स्टोरेज स्पेसेस हैं सामान रखने के लिए। इसका जो फ्लोर है वो फ्लैट है एंड क्योंकि सुपर कैरी जीतो के मुकाबले ज्यादा चौड़ा है, इसका केबिन स्पेशियस फील होता है। मगर लंबे ड्राइवर्स के लिए जो स्टेयरिंग है वो थोड़ा ज्यादा पास है। बाहर से जीतो सीएनजी 400 की हाइट कम जरूर है, मगर इसका जो केबिन है वो काफी स्पेशियस है। अंदर आना सुपर कैरी के मुकाबले इतना आसान नहीं है, मगर लंबे ड्राइवर्स के लिए भी स्पेस काफी अच्छी है। डैशबोर्ड के मटेरियल्स और क्वालिटी सुपर कैरी के कंपैरिजन में इतने अच्छे नहीं हैं। स्टेयरिंग भी 2 स्पोक का है और जो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं वो सुपर कैरी के मुकाबले छोटे हैं। इसका डैशबोर्ड माउंटेन गियर लीवर ऑपरेट करने में जरूर आसान है। तो जहां जीतो सीएनजी खेलता है लोअर प्राइस और बेहतर माइलेज पर, सुपर कैरी परफॉर्मेंस का बादशाह है। दोनों की लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मगर जीतो का डाला बड़ा है और साथ ही में ड्यूअल सीएनजी टायर्स के साथ 400 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिलती है। ये चीज इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट में आपको बेनिफिट करेगी, जहां पर सीएनजी के प्राइसेस हैं वो स्टेट वाइज वेरी करते हैं। और याद रखिए, बड़ा डाला हल्के सामान के ज्यादा बॉक्सेस एडजस्ट कर सकता है। तो आप इसमें से कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे और क्यों, बताइए हमें इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप वैल्यू फॉर मनी 13 सीटों वाली एक वैन देख रहे हैं तो हमारा फोर्स ट्रैक्स क्रूजर का वीडियो देखना ना भूलें।